नमस्कार भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस 2022 के रिगार्डिंग ओबीसी सर्टिफिकेट संबंधित जितने भी आपके मन में डाउट होते हैं सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। यहां पर मैं बात करूंगा ओबीसी सर्टिफिकेट संबंधित आपके फॉर्मेट, लैंग्वेज, इंश्योरेंस अथॉरिटी, मतलब कि किस अधिकारी से आपको सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, तहसीलदार से, नायब तहसीलदार से, रेवेन्यू ऑफिसर से, सर्कल ऑफिसर से, एसडीओ से, डीएम से, इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डीपली बात करूंगा। यहाँ पर मैं आपको आरटीआई के माध्यम से भी मैंने जानकारी लिया था, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या स्टेट लेवल का होना चाहिए, यदि आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्रूशियल डेट को लेकर क्या इशू होता है, क्रूशियल डेट क्या होता है, प्रोविजनल कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग किस प्रकार होती है, अभी तक किसी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुई है तो उसका क्या सोल्यूशन रहा, सारे इस टॉपिक को, सारे इस पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है सारे भाई बहन से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप लोगों से मैं बताऊंगा कि जो 17/2 तक आपका लास्ट डेट है तो उसका आप वेट ना करें, जितना जल्द हो फॉर्म को आप भर लीजिए। लास्ट डेट जाते जाते सर्वर का लोड बढ़ जाता है और फॉर्म आप नहीं भर पाइएगा, तो इसका वेट मत कीजिए, जितना जल्द हो फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप इन चीज़ों पर फोकस कीजिएगा जो कि मैंने यहाँ से आपके नोटिफिकेशन में लिया है, ताकि आपको हर डाउट जो है क्लियर कर सकूं। यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट को लेकर क्लियरली कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सीज एज रिलेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। यहाँ पर स्पष्ट बताई गई है कि यदि आप एज से रिलेक्सेशन लेते हैं या आप एज से रिलेक्सेशन अगर नहीं लेना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आपका कैंडिडेचर बच सकता है, लेकिन यदि आपने एज का रिलेक्सेशन लिया है और यदि आपके पास प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। और दूसरी ये चीज़ होती है, जैसे कि आपने एज में रिलेक्सेशन नहीं लिया है, आप ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं, लेकिन आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट किसी भी प्रॉब्लम वजह से आप सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपको यहाँ पर यूआर में कंसीडर कर लिया जाएगा, वहाँ पर आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होता है। लेकिन यदि आपने एज में रिलेक्सेशन ले रखा है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सर्टिफिकेट होना बिल्कुल मैंडेटरी है, यदि आप सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। और आगे यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर बताया गया है कि ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द आइडेंटिटी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस वैलिड ओबी सर्टिफिकेट इन सच सिनेरियो कैंडिडेट, मतलब आपका यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट जो करेगा उस टाइम यदि आप ओबी सर्टिफिकेट या जिस कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे आप ओबीसी की बात की गई है कि यदि आपने ओबीसी से फॉर्म फिल किया है और आप वहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्रूशियल डेट को लेकर बताया गया है कि आप क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग जो आपका फॉर्म अप्लाई करने का क्लोजिंग डेट है वो आपके क्रूशियल डेट है, उसके पहले का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए कि आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रीमी लेयर का, नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट दो प्रकार के बनते हैं, एक एनसीएल और एक सीएल, तो आपका सीएल नहीं होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट जो है एनसीएल होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी। ये है आपका फॉर्मेट, आपको ये फॉर्मेट पर बनवाना है, ऐसा कि कहीं भी इस तरीके की प्रतिबंध नहीं है। यदि आपने ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन में आपका जो बनता है जनरल फॉर्मेट में, तो जनरल फॉर्मेट में आप बनवा के ले जाएंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से आपको बोला जाएगा कि आप इसको इस फॉर्मेट में चेंज करके लेकर आइए, लेकिन कोई इशू नहीं होगी, आपको समय मिलेगा। लेकिन आपका हाँ एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट पहले का होना चाहिए, यदि आपका सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के पहले का नहीं है तो आपको प्रोविजनल दिया जाएगा, प्रोविजनल में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, तो ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि यदि आपके पास समय है तो जितना जल्द ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। तो और अगर आप प्रोविजनल के लफड़ा से फेस करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग में कुछ समय लग सकता है, मतलब 2-3 महीने आप डिले हो जाएगा तो आपकी सैलरी 3 महीने की लॉस चली जाएगी, तो ये चीज़ आपको देख लेना है। और एक चीज़, यदि आपको ये ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने नहीं आता है, आपको पता नहीं है, आप नए स्टूडेंट हैं, तो इस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने वीडियो काफ़ी पहले बना रखा है, ये चीज़ ये वीडियो का आप देख लीजिएगा, इसमें डिटेल मैंने एक एक करके बताया है कि ओबीसी के लिए जो आपका सर्टिफिकेट है ये वाला कैसे बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो एक इशू होती है ये वाला रेजोल्यूशन नंबर। कई सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि सर्टिफिकेट पूरा बनवा लेते हैं, ये रेजोल्यूशन नंबर वे खाली छोड़ देते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना रेजोल्यूशन नंबर का आपका सर्टिफिकेट पूरी तरह से इनवैलिड है और ये सर्टिफिकेट कहीं भी मान्य नहीं होगा, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके सर्टिफिकेट में रेजोल्यूशन नंबर है या नहीं है। रेजोल्यूशन नंबर के बारे में डिटेल आपको जानना होगा तो ये वीडियो देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है कि रेजोल्यूशन नंबर आपको कहाँ से डालना है, आप रेजोल्यूशन नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप देखना चाहें तो देख लीजिए।
और ये देखिए कई सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि एसएससी को ये जो नोटिस मिला था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि आप किसी भी ओबीसी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, कैंडिडेट कैंसिल नहीं कर सकते, तो वो तो ऑर्डर तो था एसएससी के लिए, लेकिन अब जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट लेगा। और इसमें भी ये मेंशन थी कि आपका जो कैंडिडेट कैंसिल करने का अधिकार है वो डिपार्टमेंट को है। तो आप जितना जल्द हो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, और यदि आप बनवा नहीं पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। अब मैं आगे कुछ और पॉइंट पर बात कर लेना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस अथॉरिटी की मैं बात कर लूँ तो आपका सर्टिफिकेट जो है रेवेन्यू ऑफिसर से ऊपर का होना चाहिए, मतलब तहसीलदार से आप नीचे करेंगे सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो मान्य नहीं होगा। नायब तहसीलदार से कई लोग बनवाते हैं तो नायब तहसीलदार से बनवाया गया ओबीसी सर्टिफिकेट मान नहीं होता है, आपको तहसीलदार से ऊपर का रैंक का बनवाना चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम एसडीओ लेवल का बनवाइए, सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, आप इस अथॉरिटी से जरूर बनवाएंगे, नहीं तो आप डीएमडीसी से बनवाएं तो वो भी काफ़ी अच्छा है। सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट आपके एसएससी में नहीं लगता है, किसी भी सेंट्रल लेवल का जॉब है उसमें आपका स्टेट लेवल का जॉब का स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आपका सेंट्रल लेवल का ही सर्टिफिकेट लगता है। क्रूशियल डेट क्या होता है आपको पता चल गया कि आपके फॉर्म जो है अप्लाई करने का लास्ट डे ही आपका क्रूशियल डेट होता है, और आपका सर्टिफिकेट जो है क्रूशियल डेट के पहले का होगा तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी, अदरवाइज आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा। प्रोविजनल का प्रॉब्लम ये होता है कि आपको थोड़ा सा अदर आपका पेपर वर्क करना पड़ता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चीज़ें वैरी करती है, उनका जो प्रोविजन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर मिलता है। ज्वाइनिंग खत्म मतलब कि ज्वाइनिंग लगभग सारे कैंडिडेट्स की हो जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है, ये चीज़ आपको फेस करना पड़ जाता है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, यदि इसके बाद भी यदि आपके मन में डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।